गुड मॉर्निंग दोस्तों, जोहार। हमारे चैनल मुंडी 75 व्लॉग पे हम आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो करम पे है। एक्चुअल में आज हम लोग के यहाँ करम बिक किया गया है। इसको क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में करम गाड़ा गया है ना। आज हम लोग के यहाँ करम गाड़ा गया है, जो कि दशहरा के बाद और दिवाली से पहले होता है ना। तो दोस्तों चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं कि यहाँ करम गाना, करम डांस में कितना लोग मस्ती करते हैं, झूमते हैं। अभी लगभग सुबह के 6 बज रहे हैं, तो इस समय कैमरा से दिखा भी पाएंगे हम लोग, क्योंकि रात में भी नाचने गए थे। कल शाम से ही शुरू हो गया था नाच और पूरी रात लोग नाचे हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। मगर रात में हम लोग उतना अच्छे से वीडियो नहीं कर पाएंगे बोल के, क्योंकि मोबाइल से हम लोग बनाते हैं। तो चलिए, अभी दिन हो गया है, अभी पूरा लोग मस्ती कर रहे हैं और भी बोल रहे कि चलो एक बार और जाके आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि करम नाच में किस टाइप के गाने गाए जाते हैं और कितना मस्ती करते हैं गांव के लोग। यही वो पर्व हैं, छोटे छोटे पर्व हैं जिनमें हमारे आदिवासियों अपनी खुशी को जाहिर कर पाते हैं, ठीक है, और जिसको बोलते हैं कि पूरी तरह से इंजॉय कर पाते हैं। ये पौराणिक जो संस्कृति है उसको अभी भी लोग बनाए रखते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अखाड़ा की तरफ, तो दिखाते हैं आपको कि कहाँ हम लोग का अखाड़ा लगता है और कहाँ हम लोग का डांस होता है। हो गए भूपू तैयार? चलिए चलिए चलिए। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं, चलिए दिखाते हैं, ज़्यादा दूर अखाड़ा नहीं है और पप्पू पूरा खुश है। यही वो खुशियाँ होती थी जो पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा थी, अभी थोड़ा सा कम हो गया है, मगर फिर भी यहाँ से ही आप लोग सुन सकते हैं नगड़ा को। नहीं, यही यार, पहले यहाँ देख लेंगे भाई। तो दोस्तों मस्ती पूरा होता है, देखिए हम लोग लगभग पहुँच गए हैं। इनके गाने, इनके एक सिंपल म्यूज़िक सुन के ही जो मज़ा आता है मत पूछिए। जैसे कि हमको ठीक से गाना समझ नहीं आता है, मुन्ना भाषा को ज़रूर समझते हैं मगर जब गाने का बात आता है तो नहीं समझ आता। ये तो बच्ची लोग तैयार हो रही है। वाह, इतना चिका इतनी साड़ी तो सिंह। हाँ नहीं, साड़ी तो कैसा बड़ा दाड़ी इतना नहीं। हाँ कोटा नहीं था सुसन करे इनके तो आज वीडियो है यार। वीडियो के दांग हाँ इधर ना की जाइए हम। वाह दोला वो है दोला 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 सिंह। आह नेहा दत्त सिंह के डेगा ची दे दो नेहा ले ले मन मोसा एक बार चिल्का दत्त सिंह का नाम ही जो कॉम से रदंग सुसिन गया ये भी नहीं गी हो जाइया। लगभग दोस्तों हम लोग पहुंच गए अपना अखाड़ा में, तो दिखाते हैं आपको कि क्या माहौल है वहाँ। एक तरफ ये कोल्ड ड्रिंक का माहौल है, पूरी रात माहौल ऐसे ही चलता है। Bolero, bolero,
बाइक्स में जो दूसरी पार्टी है वो भी हार जाएगा कि वो अपना बारी का वेट कर रहा है। Thank you.
सुन था ना सुन कौन ची था। तो साथियों कैसा लगा ये वीडियो? ये था हमारा एक छोटा सा एक्सपीरियंस करम पर्व के ऊपर, जो कि हमारे गांव के अखड़ा के ऊपर था। हमारे गांव में हमारे आसपास में कैसे करम पर्व मनाया जा रहा है, हम लोग के आदिवासी लोग कैसे मनाते हैं, उसी के ऊपर एक छोटा सा एक्सपीरियंस था हमारा एक दिन का, जबकि इसको दो दिन तक मनाया जाता है। और आज जो हमारे आदिवासी भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, वो लोग इतना जोश से इसको मनाते हैं। और ख़ासकर जो नवयुवक है, वो लोग तो गांव-गांव घूमते हैं, हर अखड़ा में अपनी प्रेजेंट देते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन पर्व है जो कि हम लोग के यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इसकी आगे आने वाले समय में हम लोग डिटेल वीडियो ज़रूर बनाएंगे, इसके रीति रिवाज, इसमें क्या क्या नियम कानून हैं, उनके बारे में भी हम लोग ज़रूर बताएंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ हम लोग ने एक छोटा सा वीलॉग बनाया था ताकि आप लोग को दिखा सकें, जो हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं आप लोग भी कर सकें। ठीक है, जैसा कि आप लोग ने देखा ही होगा, छोटी छोटी बच्ची लोग तैयार हो गई है, उसी उम्र में जो इसका एक इसकी खुशी है इसको मनाने की, वो देखते ही बनती है। तो ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को पता चले कैसे आदिवासी भाई लोग करम, ये सब गांव-गांव में क्या माहौल होता है। और दो दिन तक जो है हर तरफ आपको नगाड़ा, हर दिशा से आपको नगाड़ा की आवाज़ सुनाई देगी, तो बहुत ही बेहतरीन अनुभव है दोस्तों। गाँव में रहिएगा तभी पता चलेगा कि हर तरफ से आपको नगाड़ा और म्यूज़िक का आवाज़ सुनाई देता है। बिना किसी हैवी म्यूज़िक के बहुत ही सुंदर म्यूज़िक निकलता है, यानी कि उनकी आवाज़ और उनका जो गाना है वो बहुत बेहतरीन है, पर उन गानों की भी बहुत गहरा मतलब है। तो ये सब बातें हम लोग करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। तो अभी के लिए हम आप लोग से विदा चाहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, जोहार।